नमस्कार। मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारियों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन में कहा है कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वस्थता होना भी अत्यंत आवश्यक है। आज के दौर में जहाँ स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, हर छठे इंडियन को मेंटल हेल्थ यानी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होने लगी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ कॉमन मानसिक बीमारियों या मेंटल इलनेसेस के बारे में वाकिफ़ कराना चाहूँगी। सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं, जैसे डिप्रेशन, मेनिया, OCD, एन्जाइटी या घबराहट और नशे का सेवन। वैसे तो और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियाँ हैं जिनके लिए आपको अवश्य एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम इनके लक्षणों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। डिप्रेशन, जिसमें उदासीनता होना कॉमन है। उदासीनता एक नॉर्मल उदासीनता नहीं, बल्कि ऐसी मन की उदासी जिसमें हमें किसी भी चीज़ में खुशी ना मिले, काम में मन ना लगे, नींद का कम आना, भूख का कम लगना, अपने काम में मन का ना लगना, शरीर में फुर्ती का महसूस ना करना, ये कुछ लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण पिछले 15 या 20 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर जैसे उठ नहीं रहा है, भारी भारी सा महसूस हो रहा है, मन में नेगेटिव थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर ऐसे विचार आ रहे हैं कि भगवान इस जीवन को ख़त्म कर दे या सुसाइडल थॉट्स, तो तुरंत ही अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। ये हुए डिप्रेशन के लक्षण। फिर घबराहट या एन्जाइटी के क्या लक्षण हो सकते हैं। एन्जाइटी में दिल की धड़कन तेज़ होना, दिल की धड़कन समझ में आना, हाथों पैरों में कंपन, छोटी छोटी बातों पर डर जाना, आगे के बारे में बुरे विचार आना, छोटी छोटी बातों में बहुत चिंता करने लगना, जैसे अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने घर वालों के स्वास्थ्य के बारे में, ये सब कुछ घबराहट के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपके या आपके किसी नियर या डियर वन में आप देखें तो अवश्य अपने साइकेट्रिस्ट से मिलें। तीसरी बीमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेनिया। मेनिया डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है, जिसमें कि जैसे कि डिप्रेशन में मन में उदासी आ जाती है, मेनिया में अत्यंत खुशी का महसूस करना या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और स्टबननेस आना, इसके अलावा शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती का आना, बहुत ज़्यादा खर्चा करने का दिल करना, अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, रात में नींद का ना आना, भागते रहना, कभी कभी लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करना, ये कुछ मेनिया के लक्षण हो सकते हैं। चौथी बीमारी जो हम बात करने वाले हैं आज, वो है OCD। आपने सुना होगा OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में जो पेशेंट होता है उनको ऐसा महसूस होता है कि हर जगह या तो गंदगी है और इसीलिए बारी बारी हाथ धोना, सफाई करना, इसके अलावा हर चीज़ को अपने सही तरीके से रखने की कोशिश करना और बहुत बहुत देर सिमिट्री यानी कि एक तरह से चीज़ों को लाइन में लगाने की आदत सी होना, डाउट्स यानी कि जैसे कोई चीज़ छूट गई है, जैसे कि रूम में पंखा बंद नहीं किया इसलिए बारी बारी जाके पंखा चेक करना, जैसे गैस का नॉब बारी बारी जाके चेक करना, ये सब कुछ लक्षण OCD के हो सकते हैं। इसमें पेशेंट अपना अत्यधिक समय चीज़ों को चेक करने या सही करने में लगा देता है। इन ऐसे कोई लक्षण खुद में या अपने नज़दीकी लोगों में आप पाएँ तो भी आप अवश्य साइकेट्रिस्ट को मिलें। फाइनली हम नशे का सेवन यानी नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में बात करेंगे। नशीले पदार्थ जैसे कि अल्कोहल या शराब, गांजा चरस यानी कैनबिस, स्मैक, हीरोइन यानी कि ओपियोइड्स, इसके अलावा भी और बहुत तरह के नशे हैं, ये कुछ कॉमन नशे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में या नज़दीकी किसी यार दोस्त में कोई नशे का अत्यधिक सेवन कर रहा है, अब हम कैसे जाने कि वो अत्यधिक है। जब नशा आपके निजी जीवन को या आपकी सोशल, पर्सनल या फिर ऑक्यूपेशनल या एकेडमिक लाइफ को अफेक्ट करने लगे तो हम समझ सकते हैं कि वो बीमारी का रूप ले रहा है। नशा जो है वो शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य को भी
बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कुछ शारीरिक लक्षण नशे के हो सकते हैं, जैसे लिवर, किडनी या फिर पेट में अल्सर होना। ऐसी मानसिक स्वास्थ्य में नशा जो है डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण भी बन सकता है। जब नशा कोई इंसान नशे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा, अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ से ज़्यादा, बच्चों के साथ खेलने से ज़्यादा उन्हें नशे का सेवन ज़्यादा ज़रूरी लगने लगे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि वो बीमारी का रूप ले रहा है। तो इस बारी हमने बात करी है कि किस तरह, कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर छठे इंडियन को किसी ना किसी तरीके से प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो इसीलिए ये ज़रूरी था कि बताना कि हम कब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो कुछ कॉमन बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, मेनिया और सब्सटेंस यूज़ यानी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, इन कुछ कॉमन बीमारियों के लिए इनको ओवरलुक ना करें और जल्द से जल्द अपने या अपने नज़दीकी किसी घर परिवार में इंसान के लिए ज़रूर साइकेट्रिस्ट से मिले।